हेलो दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको डायनासोर के विषय के बारे में बता रहे हैं। डायनासोर, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में बड़े बड़े विशाल कई जानवरों की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। बने भी क्यों नहीं, हम सभी हॉलीवुड मूवीज में यही सब देख कर बड़े हुए हैं। आज हम आपको इसी बड़े बड़े विशाल कई जानवरों की वो जानकारी दे दें जो सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े आदमी भी जानना चाहते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, आज से तकरीबन 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का जन्म हुआ और आज से 6.5 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर की मौत हुई। डायनासोर पृथ्वी पर 16 करोड़ साल तक रहे और इंसानों का जीवन इसका केवल 0.1% ही है। ऐसा माना जाता है कि उस समय डायनासोरों की लगभग 2468 प्रजातियां थी, इनमें से कुछ उड़ती भी थी। दोस्तों, इस बात का पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर लगभग 200 साल तक जीते थे और डीएनए केवल 20 लाख साल तक ही जीवित रह सकता है, इसलिए डायनासोर के जीवाश्म का डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के शब्द टेरिबल लिजार्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली। डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड अवॉर्ड ने दिया था। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर डायनासोर सिर्फ एक हड्डी और एक दांत से ही खोजे गए हैं। बोलीविया में एक चूना पत्थर की चट्टान पर डायनासोरों के पांवों के 5000 निशान पाए गए हैं। ये निशान करीब 6.8 करोड़ साल पुराने हैं। अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल की लंबाई 99 फीट है। इसका नाम डिप्लोडोकस रखा गया। ये अमेरिका के वायोमिंग शहर में मिला था। सबसे छोटे डायनासोर के कंकाल की लंबाई केवल 4 इंच है। इसका वजन एक चूहिया से भी कम रहा होगा। इसे हम शॉपिंग बैग में भी डाल सकते थे। दोस्तों, डायनासोर का एक नाम से खत्म होने का कारण बना था एक उल्का पिंड, जो 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको के जुकेटन प्रायद्वीप से एक 6 मील व्यास वाला उल्का पिंड टकराया। इस टकराव से 112 मील चौड़ा गड्ढा बन गया। इसकी वजह से बहुत तेज शोक वेव पैदा हुई जो पूरी पृथ्वी पर फैल गई। इससे जो जानवर कुत्ते से बड़े आकार के थे वो सब खत्म हो गए। हालांकि इसमें शार्क, जेलीफिश, पक्षी, कीड़े, सांप, शिपकली, क्रोकोडाइल जैसे जानवरों की जान बच गई। दोस्तों, आज हमने डायनासोरों के बारे में कुछ अनोखी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ढेर सारी वीडियो मैं आगे भी लेकर आऊँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।